हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम मकर संक्रांति के लिए स्पेशल तिल और नारियल के लड्डू बनाएंगे। तो इसके लिए पहले यहाँ पर हम तिल को थोड़ा सा भून लेंगे, रोस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप तिल लिया है। तिल को हम थोड़ा सा इस तरह से लगातार चलाते हुए हम रोस्ट कर देंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। देखिए, अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा नारियल को भी रोस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पर फ्रेश नारियल लिया है 1/2 कप। अब हम इसको भी लगातार चलाते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर देंगे, जैसे इसमें से पानी एकदम सूख जाए, ड्राई हो जाए। तब तक हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हमारा नारियल भी एकदम ड्राई हो गई है। अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 1 कप गुड़ लेंगे। गुड़ को हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे लो टू मीडियम फ्लेम में। इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल सकती है। इस तरह से लगातार चलाएंगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगी। अब देखिए, हमारा गुड़ एकदम अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा छोटी इलायची और काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। अब इसके बाद हमने जो नारियल और तिल को रोस्ट करके रखे थे उसको डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो करके हमें सारे चीज़ें डालना है। अब हमारा तिल और नारियल अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। हम गैस की फ्लेम को अब बंद कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये थोड़ी सी ठंडा हो गई है, जैसे हम इसे बना सकते हैं उसी तरह से जब हो जाए हम इस तरह से लड्डू बनाएंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे साइज बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बना सकते हैं। ये बहुत ही इजीली बनकर रेडी हो जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगती है। बस 10 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाती है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। पहले हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, फिर इस तरह से बनाएंगे तो ये एकदम इजीली बनकर रेडी हो जाती है। हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकती है। और इस तरह से बनाने से ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है, एकदम कड़क नहीं बनती है। और इसे जो भी चाहे छोटे बच्चे खा सकते हैं या फिर बड़े लोग भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, ज़्यादा हार्ड ये बिल्कुल भी नहीं होती है। अब मैंने यहाँ पर सारे लड्डू बनाकर रेडी कर दिया है। नीचे इस तरह से चिपक गई है। जब इस तरह से चिपक जाए हम इसे एक बार और गर्म कर देंगे तो ये निकल जाती है इजीली। अब इस कढ़ाई को भी साफ़ करना बहुत ही इजी है। आप जब इस कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालकर गरम कर दीजिए, ये एकदम साफ़ हो जाती है। बस 1 मिनट में ये बिल्कुल साफ़ हो जाती है। अब मैंने यहाँ पर सारे लड्डू बनाकर रेडी कर दिया है। देखिए, हमारा लड्डू एकदम बनकर रेडी हो गई है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। आप इस तरह से बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट बने हैं।